दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्पोर्ट्स फ्लैशेस पे और मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात करें तो देखिए हाल ही में हमने देखा था कि 8 जून को पूर्व कप्तान इंडियन टीम की अगर मैं बात करूं वुमेन्स कप्तान मिताली राज ने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया था और सभी इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है। और उसी के ठीक बाद देखिए एक और पूर्व कप्तान खिलाड़ी ने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है सभी क्रिकेट के सभी फॉर्म से और हम बात करने जा रहे हैं रुमेली धर की। देखिए दोस्तों ये जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से दी है और इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक पोस्ट सभी के साथ साझा करा है, वो मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने आखिर क्या लिखा है। देखिए उन्होंने लिखा कि वेस्ट बंगाल के श्याम नगर से शुरू हुआ उनका क्रिकेट का सफर। उन्होंने कहा कि मेरा 23 साल का सफर अब खत्म हो रहा है और मैं क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से आज संन्यास ले रही हूं। तो ये उन्होंने एक मैसेज लिखा था और 23 साल का सफर उन्होंने आज क्रिकेट का समाप्त कर दिया है, रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। दोस्तों देखिए अगर रुमेली धर के करियर की बात की जाए तो देखिए 2003 में उन्होंने अपना डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था और उसके बाद 2005 में अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए जिस दौरान इंडिया और साउथ अफ्रीका टीम आमने सामने थी वर्ल्ड कप में और उस दौरान भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा की रोल प्ले किया था जिस तरह से वो खेलती हैं और जिस तरह से उन्होंने उस मैच में भी खेला था और उनका बहुत बड़ा योगदान था उस वर्ल्ड कप में। लेकिन टीम इंडिया देखिए वो वर्ल्ड कप जीत तो नहीं पाई लेकिन कोशिश जो फाइट थी वो बहुत अच्छी की थी और बहुत ही शानदार प्रदर्शन सभी प्लेयर्स ने उस वर्ल्ड कप फाइनल में दिखाया था। और उसके बाद देखिए अगर 19 साल के उनके इंटरनेशनल करियर की मैं बात करूं तो देखिए उन्होंने 4 टेस्ट 78 वनडे मैचेस और 18 T20 मैचेस खेले हैं और साथ ही देखिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही वो बहुत अच्छी थी, एक तरह से ऑलराउंडर प्लेयर थी रुमेली धर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 2009 में देखिए इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज थी। और मैं आपको ये भी बता दूँ 4 मैच में उन्होंने 6 विकेट चटकाए थे और ऐसा करने वाली वो गेंदबाज बनी। और 2018 की मैं बात करूं तो उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर से कदम रखा, एक बार फिर से वापसी करी। वापसी मैं इसलिए बोल रही हूं दोस्तों क्योंकि उसके बाद 6 साल तक वो मैदान से दूर थी क्योंकि उनकी इंजरी के चलते, शोल्डर इंजरी के चलते बहुत गंभीर तरह से वो चोटिल थी उस दौरान और 6 साल तक वो मैदान से काफ़ी दूर रहीं। लेकिन 2018 में एक लंबे अंतराल के बाद वो मैदान में वापस आई और 2018 में वो देखिए उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला और फिर वो इंडिया टीम में नजर नहीं आई। हालांकि देखिए अगर मैं बात करूं तो डोमेस्टिक क्रिकेट वो लास्ट ईयर तक खेलती हुई नजर आई थी, वेस्ट बंगाल की तरफ से उन्होंने काफी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, अपना शतक जड़ा, बहुत ही अच्छी पारी वो नजर आई और जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही अच्छी थी। और देखिए अगर मैं बात करूं 2018 में जब वो इंग्लैंड जा रही थी उस दौरान झूलन गोस्वामी एक्चुअली इंजर्ड हो गई थी, उनकी जगह रुमेली धर को ले जाया गया और सब इसी बात से बहुत ज़्यादा शॉक थे कि रुमेली धर यंग खिलाड़ी को ले जाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वहाँ भी परफॉर्म करा, एक तरह से सबकी बोलती बंद कर दी थी और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने वहाँ किया था। लेकिन अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से उन्होंने आज रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे उन्होंने ये पोस्ट लिखा है और साथ ही उन्होंने देखिए ये भी लिखा है कि आने वाले समय में वो स्पोर्ट्स से ज़रूर जुड़ी रहेंगी और जो स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं उनको वो मोटिवेट करती रहेंगी। उनकी कप्तानी भी हमने देखी दोस्तों मिताली राज के बाद, देखिए अगर मैं बात करूँ ठीक रुमेली धर ने भी आज अपनी सफ़र अपना ख़त्म कर दिया है क्रिकेट का, लेकिन साथ साथ उन्होंने अंत में ये भी बोला कि जो आने वाले समय में स्पोर्ट्स से वो दूरियां नहीं बनाएंगी और जितने भी जो खेल प्रेमी हैं, जो आने वाले यंगस्टर्स हैं, उन्हें ज़रूर मोटिवेट करेंगी। तो दोस्तों अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, ऐसी तमाम स्पोर्ट्स की खबरों से आप जुड़े रहिए और देखते रहिए स्पोर्ट्स फ्लैशेज़।